हे वेलकम टू एक्वा 16। माई नेम इज राग सोलकर एंड यू वॉचिंग एक्वा 16। तो इस वीडियो में बात करेंगे पेलिकोस के बारे में। जैसे कि आप पेलिकोस को जानते रहेंगे, उसको काफ़ी जन चिपकू या फिर सर्कल फिश के नाम से भी जानते हैं। वो एक कैट फिश के वैरायटी से बिलोंग करती है। तो ये नेटिवली कौन से बाहर के स्टेट्स में, अमेरिकन साइड में ज़्यादा ये मिलते हैं, पर अभी क्या हुआ है कि इंडिया में इसकी आबादी बहुत बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पॉन्ड्स या फिर लेक्स में लोग छोड़ देते हैं उनको। जैसे कि कोई भी एक्वेरियम लवर लेता है उसे ये सोच के कि वो टैंक को क्लीन रखेगा और उससे और वो ले लेता है उसे सोच के कि उसका टैंक क्लीन रहेगा और उसको उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। पर एक साल के अंदर अंदर ही उसको लग जाता है कि उसके टैंक में अभी रह नहीं सकता और वो जल्दी फास्ट फास्ट ग्रो करता है। तो इसी वजह से वो उसे पॉन्ड में छोड़ देता है। तो पॉन्ड्स में वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि वो हार्डी फिश रहते हैं। इसी वजह से तो लोग उसके बारे में सोचते नहीं है कि उसके वजह से हमारा जो लोकल एरिया में जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से वो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि उनकी पॉपुलेशन जो रहती है वो फटाक से बढ़ जाती है। तो ये रहता है रीज़न जिसके वजह से कि हमारा इंडिया का जो फिशेस रहते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। क्योंकि वो जो खाती है खाना वो हाफ, अगर 10 भी छोड़ते हैं तो उससे 100 हो जाते हैं उसके, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और जल्दी जल्दी ब्रीड करते हैं। इसी वजह से तो इसके वजह से अब उसको नहीं छोड़े किसी भी पौड़ में या फिर किसी में। अगर आपके पास वो रहेगा भी तो आप किसी भी NGOs को या फिर किसी को भी आप डोनेट कर दें जिससे कि उसकी अच्छे से केयर भी होगी या फिर उन लोग उसका कुछ कर देंगे और आप भी उस चीज़ से आप हट जाइए वो पेलिकोस पालने से। अगर आपको ऐसा ही कुछ जो बॉर्ड अगर पालने के लिए चाहिए जिससे कि आपका टैंक क्लीन रहे तो आप स्नेल्स के पास भी जा सकते हैं या फिर श्रिम्प्स के पास भी जा सकते हैं। तो अगर उसके फीडिंग के और केयर के बारे में बात की जाए तो वो उसको कुकुम्बर जो रहता है बॉयल किया हुआ वो भी अच्छा रहता है और जो भी बचा हुआ खाना रहता है बॉटम में वो भी खा लेते हैं। तो आप अगर उसको नहीं लीजिए, आप अगर आपके पास रहेगा भी तो आप उसको किसी को भी डोनेट कर दीजिए जिससे कि उसका आबादी बढ़े ना और आप उसको किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में आप छोड़े ना उसे। तो आप किसी भी पॉन्ड वाले को या फिर किसी भी मॉन्स्टर टैंक वाला रहेगा तो आप उसको दीजिए जिससे कि वो आप उसको छोड़ ना सके और हमारे इकोसिस्टम को ख़राब ना कीजिए। जैसे कि आप अगर मयूर देव एक्वास्केपर का वीडियो भी देखते रहेंगे तो मयूर सर भी बहुत बार कहते थे कि आपके पास अगर कोई भी फिश रहता है तो उसे प्लीज़ छोड़िए ना छोड़िए ना, फिर भी ऐसा हो गया है। और अभी गवर्नमेंट ने भी सर्वे किया था जिससे कि पता चला कि पौंड में 50% तो पेलिकोस ही थे और न्यूज़ में भी बहुत ये आ रहा था। और जिसके वजह से कर्नाटका में भी उसको बैन कर दिया गया और अभी धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में उसको बैन करना चालू कर दिया है। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा टॉपिक था तो इसलिए मैंने फटाफट इसका वीडियो बनाया क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। तो ये इन्फॉर्मेशन को सब जन शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे ही नए वीडियोस की आने वाली है स्टोर्स और इसकी विजिट आने वाली है और भी बहुत सारी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और शेयर कीजिए, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग। और अगर आपको हमारे चैनल के अपडेट्स जानने के रहेंगे तो आपको नीचे लिंक दिया हूँ मैं हमारे चैनल के ऑफिशियल पेज की इंस्टाग्राम के, आप उधर जाके फॉलो कीजिए जिससे आपको फटाफट लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाए। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।